फिलहाल अगली खबर का रुख कर लेते हैं। देश में मॉनसून ने लगभग दस्तक दे दी है। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी के अनुसार मानसून आगे बढ़ता ही जा रहा है। वहीं देश भर में साथ साथ मौसमी सिस्टम बन गए, जिसके चलते अब कई राज्यों में अब खतरनाक मूसलाधार भारी बारिश, भयंकर आंधी तूफान, बिजली गिरने और ओले गिरने को लेकर हाई अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने ताजा बुलेटिन जारी किया। देश के कई राज्यों में तेज भयंकर तूफान आंधी और बारिश को लेकर चेतावनी जारी की। एक पश्चिमी विक्षोभ उठा है, जिसकी वजह से कई राज्यों के अंदर तूफान आने की चेतावनी है। देश के अंदर मानसून का प्रवेश हो चुका और 3 जून को वो केरल में मानसून दस्तक दे दिया है। इसके साथ ही वहां पर कई सारे इलाकों में भारी बारिश और तूफान का दौर जारी है। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी के मुताबिक आने वाले 24 घंटों में देश के कई राज्यों में भारी बारिश परी मानसून बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। भारतीय मौसम विभाग ने बिहार के 17 जिलों में तेज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। वहीं लखनऊ में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश होने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना जारी की गई है। बात करें अगर देश भर के मौसमी सिस्टम की, तो पश्चिमी विक्षोभ के लद्दाख के पूर्वी हिस्सों और आसपास के क्षेत्रों में बना हुआ है। एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पूर्वी मध्य अरब सागर और उससे सटे शहरों पर भी बना हुआ है। आने वाले 24 घंटों में देश के मौसमी सिस्टम की बात करें, तो आने वाले 24 घंटों के दौरान लक्षद्वीप, केरल, कुंभकर्ण और गोवा के अंदर भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा महाराष्ट्र के अंदर जो है प्रीमानसून की बारिश तेज गति से अब हो रही है। इसके अलावा उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तराखंड, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में भी भारी बारिश अभी हो रही है। राजस्थान के बाकी हिस्सों और हरियाणा के एक दो भागों में हल्की आंधी, मेघ गर्जन और बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और गुजरात के क्षेत्र में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। अगले 24 घंटों में यहाँ पे भारी बारिश आएगी, यह इस वक्त का अलर्ट जारी किया। इसी प्रकार से मौसम विभाग की जानकारी पाने के लिए आप अपने शहर का नाम कमेंट सेक्शन में जोड़ लीजिए। धन्यवाद।